How are you? I hope you are fine and enjoying the online studies. पता है मेरे को आपकी हालत क्या हो रही होगी, ठीक है, बट फिर भी पढ़ना तो है। तो ठीक है, आज कुछ हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.8 है, ठीक है। तो ये 4.8 में हमको क्या बोला है कि एक सर्कुलर ग्राउंड है, ये ग्राउंड का रेडियस 200 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कोई पॉइंट P है, वहाँ से ये कोई पॉइंट Q है, तो ये क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। अब यहाँ से P से तीन गर्ल्स है, वो क्या करती है कि अलग अलग पार्ट से क्या करती है कि P से Q पर जा रही है, ठीक है। तो एक गर्ल ये वाले पार्ट से जा रही है, बी गर्ल इधर से और सी गर्ल इधर से जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी एंड सी। तो एक चीज़ है कि पी से क्यू तक का जो स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा पी और क्यू का, तो वो क्या हो जाएगा एक्चुअली रेडियस कितना है जो देख रहे हैं आप, ठीक है, पी बी सी वाला वही बनेगा। तो क्या होगा कि तीनों का डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर ही आएगा, ठीक है, बट तीनों का डिस्टेंस अलग आएगा, ठीक है। आप देखोगे तो ए का पाथ लेंथ अलग है, बी का अलग है और सी का अलग है, तो तीनों का जो डिस्टेंस आएगा वो अलग आएगा, बट आफ्टर ऑल उनकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वो तो 200 मीटर रेडियस जितना ही है, तो सबका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम आएगा। अब दूसरा ये पूछा है कि किसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, या आप बोल लो पाथ लेंथ, किसके लिए सेम है। तो किसके लिए सेम होगा, तो आप फिगर के ऊपर से देख सकते हो, पी बी क्यू वाला जो हम एक पाथ लेंगे तो वो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों 200 मीटर आएगा। तो ये कौन सा है, बी गर्ल के लिए है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसके लिए सेम है, तो वो बी गर्ल के लिए सेम है। तो ये 4.8 का था। अब 4.9 में क्या पूछा है, तो 4.9 में अगेन ऐसा है, एक सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, जिसका रेडियस 1 किलोमीटर है, किलोमीटर है ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई पर्सन वो जो सेंटर है वहां से स्टार्ट करके पी पर जाता है, ठीक है, फिर पी से क्या करता है क्यू की ओर जाता है और क्यू से अगेन ओ पर वो आ जाता है, ठीक है। तो मतलब उसका क्या हो रहा है कि ओ से सेंटर से स्टार्ट करके पी पर गया, आर्क पी क्यू घुमा और ओ क्यू रेडियस से वापस वो क्या किया है कि ओ पर आ गया है, ठीक है। तो अब इस केस में हमको क्या फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो 0 हो जाएगा, क्यों होगा, तो देखो कि ओ से स्टार्ट किया है, ठीक है, और वापस घूम फिरा के वही पर आ गया, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गई, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो वो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फिर दूसरा पूछा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 है ऊपर तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। अब तीसरा पूछा है स्पीड के बारे में, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड के लिए हमारे पास क्या होता था कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि ओ से पी पर गया और क्यू घूम कर वापस ऊपर आया, उसके लिए 10 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, तो टाइम तो आ गया बट डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या बनेगा,
तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम फिगर के ऊपर से देखते जाए, ये क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है, O से P तक का, ठीक है। या फिर आप देखो O से P पर गए, प्लस क्या हुआ, ये जो पी क्यू आर्क है वो घुमा, तो आर्क पी क्यू, ठीक है। फिर क्या हुआ, क्यू से ऊपर आए, क्यू से ऊपर आए, ठीक है। तो ये इसका क्या था, पार्ट था, इस तरीके से वो घुमा है। तो सबकी वैल्यू रख ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 O से P, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, आर पी क्यू है, तो आप देख सकते हो अगर वो उसका पूरा सर्कुलर हो जाता तो क्या आ जाता, 2 पाई आर आता। तो ये 2 पाई आर का कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पाई आर डिवाइड बाई क्या करेंगे, 4, ठीक है। ये 1/4 पार्ट है ना इसका, यहाँ से लेके पी से लेके क्यू तक का हमको लेंथ चाहिए ना, तो वो क्या मिलेगा कि पूरा अगर सर्कुलर होता तो वो क्या हो जाता कि 2 पाई आर होता। तो ये क्या हो गया, पी से क्यू 1/4 पार्ट वो है, वो है। और फिर क्यू से ऊपर है तो वो अगेन 1 किलोमीटर है, तो ये 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख के जाए तो क्या होता जाएगा, ये 1 है, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, 3.14 आएगा, इंटू रेडियस अगेन 1 है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो 25.25/7 आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्चुअली ये किलोमीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस हमको यहाँ पर किलोमीटर में दी थी। तो अब यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 25/7 आ जाएगा, ठीक है। अब टाइम की बात करें तो अब यहाँ पर यूनिट किलोमीटर में है, तो ये मिनट में नहीं चलेगा, ये क्या करना पड़ेगा, तो आवर में लेना पड़ेगा। तो 10 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/16 आवर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/6, तो ये क्या हो जाएगा, तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो 150/7, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, तो ये उसका स्पीड बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है कि स्पीड की बात करें तो क्या होगा कि पूरे डिस्टेंस हमको फाइंड करना था, ठीक है। तो वो डिस्टेंस तो 0 नहीं आता था, इसलिए डिस्टेंस फाइंड किया, तो डिस्टेंस में ये आर पी क्यू वाला जो है तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ पूरा सर्कमफेरेंस का जो लेंथ होता है 2 पाई आर, उसका 1/4 हो जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। 4.10 में हमको क्या बोला गया है, देखो कि एक मोटर रेस्ट है, वो क्या करता है कि एक ग्राउंड पर कार ट्रक चला रहा है, और वो क्या करता है कि ऐसा 500 मीटर जब जाता है, उसके बाद क्या करता है कि वो 60 डिग्री एंगल पर, तो यहाँ से ये 60 डिग्री एंगल पर क्या होता है कि ट्रक को मोड़ देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगेन 500 मीटर चलने पर क्या करता है कि ये इधर चला, तो यहाँ से ये अगेन 500 मीटर पर वो 60 डिग्री पर अपने ट्रक को मोड़ लेता है। तो ऐसा करते करते वो क्या करता है कि चला टाइम रहता है। तो हमको क्या पूछा है कि ऐसा कंटिन्यू चलाता रहेगा, ठीक है। तो ए से स्टार्ट किया, बी पर गया 60 डिग्री पर, बी से सी पर गया 60 डिग्री पर, सी से डी पर गया 60 डिग्री पर, फिर डी से ई पर आया 60 डिग्री पर, इस तरीके से वो घूमता रहता है, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल तो बन गया, वो तो पता चला आपको कैसे बन गया, वो सब में इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो 500 मीटर होता है। अब हमको यहाँ पर पूछा है कि थर्ड सिक्स, ठीक है, थर्ड सिक्स एंड एट टर्न के लिए उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या बनता है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पहला टर्न, ये दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये एक्चुअली आप देखो तो इसके सेंटर में से पास होगा, ठीक है। तो आप देखो तो सेंटर में से पास होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, 500, ये भी 500 मिलता है। तो अब ये एक्चुअली डायरेक्ट नहीं बनता, ठीक है, इसको समझना है कि आप यहाँ से 500 लिया है, ठीक है, ये इधर से भी आप एक रेडियस तो बनेगा, मतलब ये हेक्सागोनल का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ये ओ ए बी वो क्या बनेगा, तो
सेम आती है, ठीक है। तो कोटा क्या है कि सबका वैल्यू 500 आता है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि पहले हम बात करेंगे थर्ड टर्म की। तो थर्ड टर्म के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो ए से डी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या हो जाएगा ए ओ प्लस ओ डी। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 500 प्लस 500, तो ये हो जाएगा 100 meters, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस तो ए से बी पर गया तो ए बी, बी से सी पर गया तो बी सी प्लस सी से डी पर गया, तब जाके वो तीन टर्न हुए। तो ये डिस्टेंस होगा, तो ये एक्चुअली 500 प्लस 500 प्लस 500, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 1500। तो अब यहाँ पर अगर हमको इसका रेशियो लेना है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, उसका जो रेशियो होगा तो वो कैसे मिलेगा, तो 100 डिवाइड बाय 1500, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 3, ये रेशियो आ गया। अब इसको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो, और भी डेसिमल में लिखना चाहो तो। तो ये थर्ड टर्म की बात हो गई। अब हम सिक्स टर्म की बात करें, तो सिक्स टर्म में क्या होगा, तो अब देखो होता क्या है कि यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर ये फोर्थ टर्न हो जाएगा, ये फिफ्थ और ये सिक्स टर्न, ठीक है। तो सिक्स टर्न में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा, क्योंकि सिक्स टर्न में क्या होगा, वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली जीरो हो जाएगा। और डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पर सी डी ओ ई और ये एफ हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी डी फिर डी ई फिर ई एफ एंड प्लस एफ ए। तो आप देखो तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह के सब पूरा का सबका जो डिस्टेंस करता है वो फाइंड करना होगा विदाउट टेकिंग एनी डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा 500, और सबका 500 है, कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 3000 meters। बट अब आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो ले दो तो वो क्या हो जाएगा, तो वो एक्चुअली 0/3000 आएगा, तो वो हो जाएगा 0। तो ये तो सब के सब क्या थे, इजीली आपको पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ का 500 है, तो डिस्टेंस ये हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डायरेक्ट ले लो यहाँ से यहाँ तक, तो वो भी 500 है, तो सेम आ जाएगा। अब बात की है एक टर्म की, तो हुआ क्या है कि यहाँ से ये 0 है, ठीक है, ये थर्ड है, ठीक है, अगेन घूम के आया तो ये 6, तो बी पर आकर क्या बनेगा 7, और सी पर जाके वो 8 बनेगा। तो अब हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, ये वाला ए सी, ठीक है, तो इसको हम अगेन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ए है बी है, ठीक है, और ये क्या बनेगा, तो ये हमारा बनेगा ए बी और ये सी बनेगा, ठीक है। तो आप देखो तो ये 500 है, ये भी 500 है। तो अब हमको करना क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा, तो ये ए से सी वाला जो बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस की हम बात करें तो वो तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा पूरा घूम के आने है वही है। तो हम ये अगर आर वेक्टर ले लें तो आर वेक्टर हमको कैसे मिलेगा, तो अंडर रूट में हमको लेना है क्या, ये हमने जो एग्जांपल 4.2 में पढ़ा था वो फॉर्मूला है कोसाइन लॉ वाला, ठीक है, क्या था कि आपके पास दो वेक्टर है ए बी बी सी, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट कैसे मिलता था, तो ए बी का स्क्वायर
सी का स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू बी सी इंटू कॉस 60, ठीक है, वो 60 डिग्री पर मूल रहा था इसे। तो अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि ए बी का वैल्यू कितना है, तो ये 500 है, ये भी 500 है, तो 500 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 500 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 500 इंटू 500 और कॉस 60 है, ठीक है। तो कॉस 60 के वैल्यू एक्चुअली क्या हो जाएगी, √3/2। इस तरीके से √3/2 ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा कि अंडर रूट में 2 × 500 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो 500 का स्क्वायर ही है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 ही है, √3/2 इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको 2 × 500 का स्क्वायर उसको कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, 1 + √3/2, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2 का क्या हो जाएगा, √2 निकलेगा, ये 500 हो जाएगा, ठीक है, और ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 2 + √3/√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका जो आंसर है वो आंसर 866 आता है, ठीक है। तो ये आंसर 866 आता है किसका, तो R का। तो R क्या है, तो R ये वाला है R, ठीक है, AC। तो इसका क्या होता है 866 आ रहा है। तो अब हमें करना क्या होगा कि डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस आप देखो तो ए से पूरा घूम कर आया तो वो कितना मिला हमको, 300 मिला। तो 300 में क्या होगा, ए से बी पर वापस 500 और बी से सी वापस 500, तो क्या हो जाएगा 300 तो 1 turn का हो गया, 1 round का। उसके बाद अगेन हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर आ गया तो यहाँ से ये 500, ये 500 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का। तो ऊपर आ जाएगा 866 और नीचे आ जाएगा 4000। तो आप देखोगे तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर 866, ये आंसर क्या होगा, 866 अपॉन 4000.2165 हो जाएगा। तो ये क्या था कि एक जो ट्रकर था वो क्या करता था कि इस तरीके से हेक्सागोनल बना के घूम रहा था, तो वहाँ पर 3rd turn के लिए हमको डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या मिला, 6th turn में तो वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता था, और 8th turn में क्या होता था कि वो ए से सी पर पहुंच रहा था, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि हमको इस तरीके से इसका जो ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट था वो फाइंड करना था। तो वो इस तरीके से किया और डिस्टेंस तो क्या हो जाता था कि 1 turn का हो उसमें पूरा 2 ऐड करना था, 500 वाला, तो वो 4000 हो जाता था, फिर रेशियो ले लिया, ठीक है। तो ये 4.10 हो गया। अब हम नेक्स्ट 4.11 करेंगे। तो स्टेशन पर उतर रहा है, ठीक है, वहाँ से उसकी होटल है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। बट वो स्टेशन से जो टैक्सी में जा रहा है तो वो उसको क्या करता है कि सीधा ले नहीं जाता है, वो उसको इधर उधर घुमा के ले जाता है, ठीक है, और फिर बोलता है 23rd किलोमीटर हम दूर आ गए, ठीक है। तो अब वो 23rd किलोमीटर दूर गया तो उसके लिए इसको टाइम कितना लगा,
28 मिनट। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को पता होगा कि वलसाड़ का एक बहुत फेमस किस्सा है कि एक आदमी वलसाड़ शहर पर उठाता है और फिर वहाँ से रात को निकलता है, उसको पता नहीं है, तो वो क्या करता है कि स्टेशन से रिक्शा लेता है और उसको जाना है मानसरोवर होटल में। ठीक है, तो जिसने मानसरोवर होटल लिखा होगा उसको पता होगा, तो वो रात को रिक्शा वाला उसको घुमा के ले जाता है और फिर वापस मानसरोवर पर ला के छोड़ देता है। वो बंदा सुबह उठकर होटल के मैनेजर को बोलता है कि मेरे लिए ऑटो मंगो, मेरे को स्टेशन जाना है। अब देखो मैनेजर की हालत क्या हो रही, तो वही चीज़ होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये अलग अलग पार्ट से गए तो डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया, डिस्टेंस अलग हो गया। अब हमको पूछा है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये दोनों चीज़ हमको फाइंड करनी है। तो अब देखो कि एवरेज स्पीड क्या बनेगी, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा कि हमको डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो वो तो आप फिगर के ऊपर से समझ सकते हो कि ये कम वाला है वो डिस्प्लेसमेंट है, ये ज़्यादा वाला है वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या होगा, टाइम आएगा। तो टाइम क्या है, तो एक चीज समझो कि ये किलोमीटर में है, ये मीटर में, मिनट में है। तो ये किलोमीटर और ये मिनट में है, तो उसको आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको आप 60 से इस तरीके से डिवाइड करो तो ये आंसर कुछ 49 के आसपास आता है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। दूसरा है कि एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो 10 किलोमीटर ही है और टाइम तो वही लगेगा। ठीक है, फोटवा क्या है कि यहाँ से यहाँ जाना है तो डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर होगा, बट वो गए ये रास्ते से। ठीक है, तो हुआ क्या है कि 23 किलोमीटर बन गया है अब पर्ट लेन, तो डिस्टेंस अलग आ गया बट टाइम जो लगा वो तो सेम ही है। तो हुआ क्या है कि यहाँ पर भी टाइम 28/16 ही आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 600/28, तो ये आंसर कुछ 25 के आसपास आता है। तो आप एक्चुअली कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो करना है, इजी हो जाएगा। ठीक है, आप एक्चुअली किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हुआ क्या है कि आपको ये पूछा गया है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड सेम आएगी कि नहीं आएगी। ऑब्वियसली नहीं आएगी, कोई भी जगह पर आपकी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड सेम नहीं आएगी अंटिल जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस वो लीनियर हो। ठीक है, यहाँ से आपको बोला है कि ये आदमी अगर सीधा यही रास्ते से अगर स्टेशन से होटल जाते और फिर पूछते कि आपका डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड सेम है कि नहीं है, तो वो सेम बन सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, डिस्टेंस अलग होगा, तो क्या होगा कि वो सेम आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो 4.12 में क्या बोला है कि रेन ऊपर से नीचे गिर रहा है। ठीक है, वो नीचे गिरता है कुछ नया नहीं। ठीक है, बट स्पीड हर बार अलग आएगी, 30 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड दी है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, VR। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन VR 30 मीटर पर सेकंड। एक लेडी क्या कर रही है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, VW लेडीज की, मतलब वुमन जा रही है। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी वो दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड। अब ऑब्वियसली क्या होगा, सिंपल केस है कि रेन में जा रही है तो उसको कौन से डायरेक्शन में अम्ब्रेला खोलनी पड़ेगी। तो अब देखो कि ये इधर जा रही है, ये भी आ रही है, तो एक्चुअली नॉर्थ से साउथ जा रही है। ठीक है, तो इसका ये वाला हम पार्ट लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -VW हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप ये वेक्टर -VW और ये VR, इसका आप रिजल्टेंट फाइंड करो, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, आपको ये डायरेक्शन में मिलेगा। तो अब देखो, तो ये एंगल आप देखोगे तो ये क्या बनेगा, कोई एंगल हम ले रहे हैं। ठीक है, आधा ले रहे हैं। तो अब देखो आप इसको ऊपर
इलोंगेट करो के तो ये एंगल पे क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। ठीक है, तो जो लेडी जा रही है कौन से नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि ये इतने डायरेक्शन पर जो रिजल्टेंट फैक्टर बन रहा है, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फैक्टर जो डायरेक्शन में बन रहा है वो डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला खोल के रखनी पड़ेगी। तो अब ये एंगल क्या बनेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि टेन अल्फा, ठीक है, ये टेन अल्फा है। तो टेन अल्फा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि हम वेक्टर का क्या पैरेललशिप कर सकते हैं, तो ये वी डब्ल्यू है तो इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं माइनस वी डब्ल्यू। ठीक है, तो हुआ होगा क्या कि यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, वी आर अपन वी डब्ल्यू मिलेगा। तो ये वैल्यू क्या है, तो सॉरी वी डब्ल्यू अपन वी आर मिलेगा। ठीक है, टेन अल्फा है ना, तो क्या हो जाएगा, हाइट अपन बेस हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन अपन थर्टी, सो ये 1.8 हो जाएगा। तो टेन अल्फा हो जाएगा, हमको तो डायरेक्शन चाहिए तो अल्फा ढूंढना पड़ेगा, तो वो अबाउट 18 डिग्री और 24 मिनट के आसपास आता है। ठीक है, तो हमको करना क्या पड़ेगा, मतलब जो लेडी थी उसको क्या करना पड़ेगा कि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है, तो वर्टिकल से कितना 18 डिग्री पर साउथ की ओर अपना अम्ब्रेला को इंक्लाइन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, ये वर्टिकल से ये अल्फा एंगल है तो ये कितना है 18 डिग्री 24 मिनट, तो वर्टिकल से इतना डिग्री इंक्लाइन रख के जो लेडी नॉर्थ से साउथ जा रही है उसको चलना पड़ेगा। 4.13 में क्या बोला है कि एक स्विमर है, उसकी स्पीड है स्विम करने की 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वो एक रिवर में तैरने जाता है। ठीक है, तो रिवर का जो पानी होगा वो क्या होगा, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। ठीक है, फ्लो हो रहा है ये डायरेक्शन में। अब रिवर की जो लेंथ वाइड है, रिवर कितनी वाइड है, तो 1 किलोमीटर जितनी। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये पूछा है कि जब ये आदमी एक नदी को क्रॉस कर लेगा तो वो जो फ्लो है उसके डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, तो अब हम समझे कि अगर कोई पर्सन ए से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो ए से वो बी पर जाना चाहिए, तो वो कब जाएगा कि जब नदी का फ्लो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तब जाता है। पर क्या है कि यहाँ पर नदी में जो फ्लो है वो क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर की है, तो वो क्या करेगा, ए से बी पर जाने की बजाय क्या होगा कि वो ए से सी पर पहुँचेगा, तो जो सामने के किनारे वो पहुँचेगा तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, तो बी से सी कितना हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा कि हमारे पास वी एस मतलब कि उसकी स्पीड है, ठीक है, दूसरा कि डिस्टेंस है कितना, तो वो है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर से हमको टाइम मिल जाएगा, सबसे पहले तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा 1/4। अब ये क्या है, आवर में है, तो 1/4 आवर मिला, तो ये 15 मिनट हो गए। ठीक है, तो ये 15 मिनट हो गए। अब होगा क्या कि हमको क्या चाहिए, तो ये बी से सी जितना, तो वो बी से सी जितना डिस्टेंस किसकी वजह से ट्रैवल करेगा, तो फ्लो ऑफ वाटर यानी कि रिवर की जो स्पीड होगी उसकी वजह से। तो हम नेक्स्ट डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस बी सी, तो वो उसमें क्या जाएगा कि वी आर इंटू टाइम, डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, 300 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिला, 1/4 मिला। ठीक है, ये तो हमने मिनट में कन्वर्ट किया था, ठीक है, बट ओरिजिनल क्या है, 1/4 आवर है, तो ये किलोमीटर पर आवर है इंटू 1/4 आवर, तो ये हो जाएगा 750। आप उसको क्या बोलो कि सॉरी, ये हमने मिनट में कर दिया ना, मीटर में कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 750 मीटर हो जाएगा। ठीक है,
3 किलोमीटर था तो उसको हमने क्या कर दिया है कि मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इसलिए ये हमको 750 मीटर मिलेगा।